मुझे कम से कम 100 घंटा दे दें, पहले विभाग को समझ लूं, जान लूं। बहुत जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कहना। इसके तुरंत बाद हम लोगों ने ब्रीफिंग मीटिंग रखी है, एक बार स्टडी कर लें हम लोग, पूरी तरीके से समझ लें। 100 दिन का रोड मैप आप लोग के सामने विस्तृत तौर से रखा है। वन थिंग earlier to that, India Alliance was saying that they were calling NDA leaders to make them prime minister. Now they are saying that it's a Jhunjhuna vibhag which the alliance partners are getting. Bihar ke logon ko khas taur se kuch mila nahi. Bihar has got 8 ministries, but still they are trying. जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार की रही है, गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारना अभी समय लगेगा, थोड़ा मंत्रालय को समझने में, स्टडी करने में, बट हाँ प्राथमिकता रहेगी कि इस विभाग के माध्यम से जनता तक गरीब कल्याण की योजनाओं को पहुंचाया जा सके। विपक्ष अपने आप को तसल्ली देता है ये सारी बातें कहकर, हकीकत है साफ तौर पर विपक्ष खुद को तसल्ली दे रहा है, कह रहा है चिराग पासवान का उनका पूरा परिवार यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और पूरे परिवार के लिए निश्चित तौर पर एक भावुक पल और एक बड़ा दिन। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्पत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे उसके बनिस्पत भारत में लगभग 2-3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। ऐसे में मैं मानता हूँ कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका होगी। कल प्रधानमंत्री जी से भी अनौपचारिक मुलाकात में जब बातचीत हो रही थी, उनके द्वारा भी यही मार्गदर्शन मुझे दिया गया कि इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। आप विदेशों में देखेंगे जिस तरीके से दूसरे देशों में प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से ही अधिकांश कार्य हो रहे हैं, ऐसे में हम लोग प्रोसेसिंग में अभी भी उस हद तक आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस उम्मीद के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से सीखते हुए जिस जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने ली, उस विभाग को उन्होंने ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। और ऊंचाइयां इसलिए नहीं, ऊंचाइयां इसलिए क्योंकि उसको सीधा जनता के साथ जोड़कर उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं में एक अपना अहम योगदान देने का काम किया। उन्हीं से सीखते हुए, उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, विकसित देश के संकल्प को पूरा करने में इस विभाग की एक अहम भूमिका मैं देखता हूं। सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। 100 दिन का रोड मैप क्या है आपके मंत्रालय का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार 100 दिन के रोड मैप की बात कर रहे हैं। मुझे कम से कम 100 घंटा दे दें, पहले विभाग को समझ लूं, जान लूं। बहुत जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कहना। इसके तुरंत बाद हम लोगों ने ब्रीफिंग मीटिंग रखी है, एक बार स्टडी कर लें हम लोग, पूरी तरीके से समझ लें।
सौ दिन का रोड मैप आप लोग के सामने विस्तृत तौर से Earlier to that, India Alliance was saying that they were calling NDA leaders to make them Prime Minister. Now they are saying that it's a Jhunjhuna Vibhag which the Alliance partners are getting. Bihar has got 8 ministries, but still they are taunting. Well, I have said this repeatedly, that it's not about the ministry, it's about the minister. It's never about a government, it's about the person who's leading it. It's never about an alliance, it's about the person who's leading it. It's always about the Netritvkarta, the person who's leading the thing. I have given example of my father. जो जिम्मेदारी जिस विभाग की उनको दी गई, जिस तरीके से उन्होंने उस विभाग में कार्य करके उस विभाग की पहचान बनाने का काम किया, मुझे लगता है हम जितने भी सहयोगी हैं, जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पर अगर आप उसका जुड़ाव देश के गरीब वर्ग से अगर आप देखें, फूड प्रोसेसिंग का मैंने जिक्र किया, किसानों की जब आय को दुगना करने की हम लोग सोच रखते हैं, जब किसानों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की हम लोग बात करते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में आप मेरे विजन में भी देखेंगे मैंने हमेशा प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात की। मैंने हाजीपुर से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैंने हमेशा कहा हाजीपुर का केला है वो डाउन साउथ जाकर केले के चिप्स बनते हैं, बट वहाँ पर ऐसे यूनिट्स नहीं हैं। अगर ये यूनिट्स वहाँ पर लग जाएँ, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ मखाना, आज की तारीख में देश में नहीं दुनिया में उसकी मांग है, ऐसे में अगर उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स वहीं पर लग जाएं जहां पे किसान उसका उत्पादन करते हैं, तो उनके हाथ में ज़्यादा दाम आएगा। जितने भी सहयोगी हैं, जिस जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जिस तरीके से MSME की जिम्मेदारी दी गई है, ये कहीं ना कहीं देश की रीढ़ है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको मजबूती, कोरोना काल में भी अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बल अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी को दिया था तो MSME सेक्टर को दिया गया था, पंचायती राज है। तो मुझे लगता है जितने भी सहयोगियों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो समाज के उस वर्ग को दी गई है जिसकी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है। Why these kind of statement? That's what my question is. Why? Because they want to downsize. They want to show that the importance not being given, the prime minister is not taking care of their allies. This is what they wish. अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी विपक्ष करता आया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब इन मंत्रालयों के कार्य वो देखेंगे, अपने आप उनको समझ में आएगी कि कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक और सवाल कि आप आज पहली बार मंत्रालय का चार्ज ले रहे हैं और जय श्री राम का पट्टा लगा हुआ है आपके ऊपर, इसके जरिए भी कोई मैसेज है क्या? कोई मैसेज नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मैं मानता हूँ इन सारी चीज़ों में, और मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि ये व्यक्तिगत आस्था है, इसका मेरे कार्य से या इसका मुझे दी गई जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं है। चिराग जी, झुंझुनू वाले बयान पे एक बता दीजिए, झुंझुना कहाँ है मंत्रालय को? आप साथ में रख दीजिए, आप साथ में रख दीजिए, साथ में रख, साथ में रख। जैसा मैंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं शायद वो लोग नेतृत्व क्षमता नहीं रखते। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि कोई मंत्रालय मंत्रालय की वजह से नहीं, उसको संभाल कौन रहा है, वो मंत्री कौन है, कैसा है उनका सोच, उनकी विजन। कोई सरकार भी चलती है, कोई देश भी चलता है, तो नेतृत्वकर्ता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो लोग ये बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिल को तसल्ली देने की सोच रखते हैं। ऐसे में NDA गठबंधन के तमाम सहयोगियों को जो भी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे लगता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाकर अपने विभाग की उपलब्धियां जब जनता के सामने हम लोगों के द्वारा रखी जाएंगी, तो जो इस उम्मीद के साथ तंज कसने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपने आप जवाब मिलेगा। सर, जीतन राम मांझी को लेकर भी विपक्ष कह रहा है कि राम को काल्पनिक कहते थे और अब अलायंस में लाकर उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई है। जैसा मैंने कहा कि ये सहयोगियों के समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। विपक्ष अपने दिल को खुश रखने के लिए तमाम बातें कर तसल्ली अपने आप को दे सकता है, बट हाँ, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई, और ये जिम्मेदारियाँ दल के आधार पर नहीं होती, व्यक्ति के आधार पर होती हैं। कौन सा व्यक्ति कितना अनुभवी है, किसके पास किस मंत्रालय को आगे लेकर जाने की सोच है, इस
उद्देश्य के साथ ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं। मेरे पूर्व मुख्यमंत्री के पास एक अपना अनुभव है और जैसा मैंने कहा कि एक बड़े विभाग की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। विपक्ष ये आरोप प्रत्यारोप करता रहे, हम लोग सिर्फ काम पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ना सिर्फ अगले 100 दिनों की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है, 5 साल की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है, बल्कि 2047 तक विकसित देश बनाने